22 जुलाई 2017 ये तब की बात है जब मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू तो खैर मैंने काफ़ी दिए लेकिन ये वाला इंटरव्यू मेरी ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू था। मैं जब उधर पहुंचा तो कंपनी का माहौल देख के मैं थोड़ा सा खैर थोड़ा सा तो नहीं अच्छा खासा नर्वस हो गया था। और मेरा इस तरह नर्वस होना बनता भी था क्योंकि एंड पे हुआ वही जो उससे बहुत पहले से होता चला आ रहा है। और सुना यार, आजकल कोई नौकरी शोकरी नहीं कर रहा तू? नौकरी नहीं यार, मैं अभी इंटरव्यू देख रहा हूँ। क्या यार, ये कब तक इंटरव्यू देगा? कोई जॉब शॉप कर यार, बस कर जाए। ग्राफिक्स के ऊपर पूरी की पूरी उसको ग्रिप हो, एनिमेशन का काम उसको आता हो, मुझे वो बंदा एज सून एज पॉसिबल चाहिए, तो मेहरबानी करें, बस करें और मुझे फौरन से पहले मुझे, ठीक है? ऑफिस चक्कर लगा लें, इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त प्रोजेक्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, लेकिन सर आपने ये बताया नहीं कि आपको रिजेक्ट किस बात पे किया गया। इसी सवाल का तो इंतजार कर रहा था मैं। कम इन प्लीज। वालेकुम सलाम, प्लीज हैव अ सीट। सर इंटरव्यू के लिए आया था। कैन यू प्लीज शो मी योर सीवी? Can you please introduce yourself briefly? Hi sir, mera naam Sanan Ahmed. Maine computer arts ke andar masters kiya hua hai and my major was animation, mera major tha. But you are quite experienced guy, but what we are looking for, a man with a good communication. So I think you should work on it and try it. Please have a seat. Okay.
Thank you, sir. Thank you for coming. देखो, English आने से या ना आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है, बल्कि फर्क भी छोड़ो। English अगर आपको एक से ज़्यादा ज़बान आती है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर काम के हिसाब से इसी चीज़ को देखा जाए ना, तो काम में ये नहीं देखा जाता कि आपको ज़बानें कितनी हैं। काम में ये देखा जाता है कि आपका काम करने का या मेहनत करने का टेम्परेचर है, आपकी मेहनत करने का शौक है आपके अंदर, सलाहियत है आपके अंदर। अगर आपके अंदर मेहनत करने की काबिलियत है या काबिलियत है आपके अंदर इन जनरल, तो कामयाबी आपसे दूर नहीं है, कामयाबी आपकी पकड़ में। अगर आप काबिल हो तो आप कामयाब होकर ही रहोगे।